नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम सामने रखा है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी और 21 जुलाई को मतगणना होगी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिंह तो उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है, वहीं यूपी से विनोद यादव भी ताल ठोकेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए, भारत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपी के जिला चंदौली के विनोद कुमार यादव पुत्र जयश्री यादव भी ताल ठोकेंगे। विनोद यादव आगामी 25 जून को नई दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विनोद यादव ने गिरजाघर स्थित चौराहे पर स्थापित नंदी भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। विनोद यादव इससे पहले प्रधान, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधानसभा एवं लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। विनोद यादव लोकसभा का चुनाव देश के पीएम मोदी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लड़ चुके हैं। चलिए आप भी विनोद यादव को सुनिए कि उनका चुनाव लड़ने पर क्या कहना है और उनकी आखिर क्या तैयारियां हैं। को समस्त न्यूज प्रेस, टीवी और प्रशासन को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार यादव, पुत्र जयश्री यादव और ग्राम सभा कलानी, थाना इलिया, जिला चंदौली का मैं रहने वाला हूँ। आज बैलगाड़ी से आप प्रस्थान कहाँ से किए और किस लिए किए? मैं बाबा नंदिनी को माला अर्पण करके, बाबा विश्वनाथ जी का माला अर्पण करते हुए, वहाँ से मैं लहुरा वीर चंद्रशेखर आजाद को माला अर्पण करते हुए बैलगाड़ी के लिए मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के लिए मैं प्रस्थान हो रहा हूँ। ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहा हूँ? राष्ट्रपति का चुनाव मैं लड़ना चाह रहा हूँ कि देश में जनता बहुत तहस और व्यस्त है, एकदम कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उसको लेकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। जैसे हमारे 15 साल की लड़कियां हैं, उनका निःशुल्क किराया पढ़ने लिखने के लिए होना चाहिए, और हमारे जो प्राइमरी पाठशाला जो कॉलेज हैं उसमें इंग्लिश मीडियम मास्टर नहीं है, उसमें कम से कम दो दो मास्टर होना चाहिए। कम से कम गरीब परिवार के भी बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पढ़ लें। और जो किसान हैं, हर गाँव में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि हर गांव में ट्यूबवेल हो लगना चाहिए, कि बरसात अगर न हो तो कम से कम लोग अपना कुछ न कुछ सिंचाई कर लें। और जो दहेज प्रथा के ऊपर है उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि जो हमारी बहनों के इज्जत भी लूट लेते हैं और है तो दहेज भी ले लेते हैं। कम से कम यदि लड़के वाला अगर शादी करना चाहे तो सारा खर्चा लड़के वाले को देना चाहिए। जी, कितने भारत में एमपी एमएलए हैं, कितने का आपको समर्थन मिला है? राष्ट्रपति जो 28-29 राज्य में हैं, 543 एमपी हैं, और जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। जम्मू कश्मीर में 6 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। गुजरात में 26 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। गोवा में 2 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। कर्नाटक में 28 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। और दिल्ली में 7 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। उत्तराखंड में 7 एमपी हैं, 5 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। राजस्थान में 25 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। कर्नाटक में 28 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। मध्य प्रदेश में 29 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। मतदान करेंगे हम, जब नामांकन करेंगे, प्रस्तावक बनेंगे लोग, जब मतदान करेंगे। बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आप बगल के जिले से, तो क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि आपको सपोर्ट करें? हाँ, प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मुझको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की कुर्सी दिलाएं। क्या लगता है, जितना बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने उतारे हैं, आप तीसरे व्यक्ति हैं जो निर्दल भी हैं, क्या लगता है कि आप कितनी मजबूती दिला पाएंगे? मैं जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा, उन लोग से सहयोग करूंगा, अपनी समस्या में रखूंगा, मैं विनती करूंगा। अगर उन लोग का विचार होगा तो मुझको अपना कैंडिडेट बनाएंगे और मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगा और दमदारी से मैं राष्ट्रपति बन के आऊंगा। एक सवाल के जवाब में विनोद यादव ने बताया कि मैं यहाँ सारे चुनाव लड़ चुका हूँ, अब मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतने के बाद देश की सेवा करूं।
वहीं उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों के सांसदों से हमारी बात चल रही है, उनका भी समर्थन हमें प्राप्त होगा। तो देखा आपने कैसे विनोद यादव राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खैर, उम्मीदवार तो सामने है, लेकिन कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।